जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सीपीएम के नुमाइंदों ने, और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां, जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की। ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज़ पर है, उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें खास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं है। दैट्स व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खाका पेश किया है कि हमारा मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। सेकुलर डेमोक्रेसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमज़ोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सबक आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया, उस सिम्मत में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो है CAA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज़ हैं, उनको टारगेट करता है, उनके ख़िलाफ़ जाता है। उसके बाद ये भी चर्चा हुआ नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तमाम जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ। आज कल ही इन्होंने रूल्स अनाउंस किए, ऐलान किया, और इस एक्ट को लागू करने के बारे में शुरुआत की। शुरुआत तब हुई थी, लेकिन एहतजाज हुआ हर तरफ, पूरे मुल्क में तालिबे इल्म सड़कों पर आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चियों को उस वक़्त पुलिस ने हरास किया, लेकिन पूरे मुल्क में एक आग फैल गई कि तालिबे इल्म सड़कों पर आए, कहा हमें ये कानून मंजूर नहीं। उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे, मैं खुद उन दिनों बम्बई गया 20 में, मैंने भी वहाँ एक बड़ा कन्क्लेव एड्रेस किया, वहाँ सारे स्कॉलर्स, सारे मीन्स हर रंग के, हर अकीदे के स्कॉलर्स थे, यंग बॉयज़ गर्ल्स थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, इन थाउजेंड्स, और वो सब यही कह रहे थे कि ये देश हम सब का है, और उनका ये भी मानना था ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं। आज भी मुझे वो आवाज़ वहाँ से
अभी गौंसी आई है, और आज ये सरकार जब चुनाव है, हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ऐलान करने वाले हैं वो, या जायज़ा लेने वाले हैं पार्लियामेंट्री चुनाव के बारे में, असम्बली चुनाव के बारे में क्या कर लेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन चुनाव होने वाले हैं और आज ही इस किस्म का डिवाइसिव फूट परस्त कानून लागू करना, और फिरक परस्त जो इस सरीहन हर सतह पर अगर आप जायजा लेंगे, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बनाने का सवाल है और पूरे मुल्क में पोलराइज करने की एक कोशिश है, सिचुएशन को लोगों में फूट डालने की कोशिश है, अनएक्सेप्टेबल, हमें कबूल नहीं। CPM ने पार्लियामेंट के दोनों आयवानों में तब भी कहा हमें कबूल नहीं, कल ही केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा हम लागू करेंगे नहीं, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन सरकारें हैं, उन्होंने भी कल कहा हमारे जो रियासतें हैं हम लागू करने वाले नहीं। और एक ही सवाल है हम सब की तरफ से, मुल्क को तोड़ो मत। 47 में जो हुआ उसको मत दोहराओ, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड नाउ। वी वांट ए यूनाइटेड इंडिया, वी वांट टू लिव इन यूनिटी। हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारे मज़हब, आप देख लीजिए कल ही कहा क्या, जो लोग 3 रियासतों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, व्हाट अबाउट अगर कोई बर्मा से आ जाए जिसको परेशान किया गया हो, किसी मज़हब का भी हो, व्हाट अबाउट श्रीलंका, अगर वहाँ जो हमारे हमसाया है अगर वहाँ कोई परेशान हो या परेशान होकर आया हो, और उसमें भी अगर आप ये कहेंगे कि हिंदू, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, क्या ये सही नहीं है? अगर कोई अफगानिस्तान में जब ये जंग चल रही थी, बहुत सारे लोग वहाँ वो जो उस जंग के ख़िलाफ़ थे, डर के मारे यहाँ आ गए, कहाँ जाएंगे वो? वहाँ के तालिबे इल्म यहाँ पढ़ने के लिए आ जाए, कहाँ जाएंगे वो? व्हाट अबाउट बांग्लादेश, कल अगर वहाँ कोई सताया हुआ हो, बॉर्डर पर हैं, जहाँ हिंदू आ जाए, वहाँ अगर कोई मुसलमान भी सितम ज़दा हो और यहाँ पना लेने के लिए आ जाए, उसको आप एक्सक्लूड क्यों कर लेंगे? ये सबसे बड़ा झूठ है कि इम्तियाज़ नहीं। और वैसे भी इस सरकार ने झूठ के अंबार आज तक, जैसे कि मोनोपोलिस्ट हैं ये झूठ के, और हमें डर है इससे, और इससे फूट पड़ेगी। मुल्क को इतिहाद चाहिए, मुल्क की सालिमियत को यूनिटी चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए, तफरीक नहीं चाहिए, फूट नहीं चाहिए, इम्तियाज़ नहीं चाहिए। आज एक बार फिर हम दोहराएंगे, सभी सेकुलर कुव्वतों से हमारी अपील है और वही उम्मीद है हमारे लिए कि मुल्क को बचाए, मुल्क के फ्यूचर को बचाए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, उसको बचाए। ये अटैक नहीं है माइनॉरिटीज़ पर ही, ये अटैक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस पर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।